और यहाँ के एसपी की उसकी औकात दिखाने आए हैं। यहाँ का पुलिस प्रशासन, यहाँ का एसपी कहता है 47 दिन तक क्या झोंक झक मार रहे थे आप लोग, तीन बहनों के साथ बलात्कार हुआ, उनको मार के काट दिया गया, और यहाँ का एसपी, यहाँ का टीआई कौन से कोने में घुसे हुए थे? किसका दबाव था? किसका दबाव था? और यहाँ के विधायक को मैं कहना चाहता हूँ कि आप उसको दबा मत बोलना, वो कुत्ता था। दबंग जो होता है वो लाचारों पे अत्याचार नहीं करता, वो कुत्ता था, भेड़िया था, जिसने हमारी बहन को नोच नोच के मारा। आज मैं यहाँ के पुलिस प्रशासन को कहना चाहता हूँ, मैं ऊपर इसलिए आया हूँ कि पुलिस वाले मुझे देखें। हम लड़ाकू कौम के लोग हैं, हमारे खून बहता है वो लड़ने वाला खून होता है, हमारे लोगों में डरने वाला खून नहीं होता। और यहाँ के जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री छाती फुला रहे हैं, 42 लाख रुपए में तेरे बाप के पैसे थे क्या? वो पैसा था, वो अधिकार था उनका। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, आप भांजी बताते हो प्रदेश की बेटियों को, प्रदेश के बेटों को भांजी बताते हो? अरे अगर ओरिजिनल मामा होता, घटना के तुरंत बाद उन भांजों के घर आंसू पोंछने आ गया। साथियों, ये पूरे देश की पहली ऐसी घटना है, एक कब्र से 5 लाशें निकली है, एक कब्र से 5 लाशें निकली है, ये एक छोटी घटना नहीं है। और मैं साथियों में कहना चाहता हूँ, ये आदिवासी समाज, हर समाज के साथ अगर अन्याय अत्याचार होता है उसके साथ खड़ा रहेगा, लेकिन आज हमको मजबूरन उस बेटी को आदिवासी इसलिए कहना पड़ रहा है कि जो लोग आदिवासियों का फायदा उठाते हैं वो लोग बोलना नहीं चाहते, लेकिन हम बोलना चाहते हैं। हम हमारी बहनों के लिए न्याय के लिए आए हैं। अगर इस बीच छाती अड़ाना पड़े तो महेंद्र कन्नौज की छाती सामने है। साथियों, मेरे युवा साथियों, आप सबको मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ का जो मीडिया है, बहुत सारा मीडिया हमारे साथ था, लेकिन एक अखबार की हमने हेडिंग करी, 2 दिन तक आदिवासी युद्ध रहा और 3रे दिन दलित लिखने लग गया, उसके प्रमाण हमारे पास है। मैं उनको कहना चाहता हूँ, अरे आपको पैसा चाहिए तो हमको बोलो, आप चंदा करके आपको पैसा दे, लेकिन जो सच्चाई है, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, आपने कौन सी जिम्मेदारी निभाई? ये कोई बोल रहा प्रेम प्रसंग, कोई बोल रहा हत्या हुई है, अरे बलात्कार हुआ है, बलात्कार। यहाँ का टीआई, यहाँ का एसपी, यहाँ का एडिशनल एसपी, यहाँ का विधायक, सारे लोग मिले हुए, सारे लोग मिले हुए। हमारी बहने 13 मई से अगर गायब थी, जब उसका मोबाइल चालू था, उसकी फेसबुक चल रही थी, तो तुमने उसका मोबाइल ट्रेस क्यों नहीं किया? तुमने मोबाइल लोकेशन के आधार पर उस केस को उजागर क्यों नहीं किया? लेकिन दुख इस बात का है साथियों, वो हमारे समाज की बहन है, हमारे समाज की माँ, हमारे समाज का एक छोटा नौजवान बच्चा, उसको आपने मार दिया, मारने के बाद गड्ढे में उनको डाल दिया, डालने के बाद यूरिया खाद डाल दिया, नमक डाल दिया, और यहाँ का पुलिस प्रशासन कहता है कि हमको 47 दिन बाद पता चला। मैं उनको कहना चाहता हूँ, आपने अभी 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूँ कि 7 लोग नहीं थे वहाँ पे, 30 लोग थे, और उन बहनों के साथ बलात्कार हुआ, और पुलिस की मिली भगत से बलात्कार के सबूत हटाने के लिए, मिटाने के लिए उसको 1.5 महीने तक जमीन में दफना के रखा, ताकि उसका बलात्कार का
सबूत हट जाए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, हम कानून को पसंद करते हैं, हम कानून को मानते हैं, हम संविधान को मानते हैं, वरना हम उसी खानदान से मौत का बदला मौत भी लेते आए हमारे पास। हम अभी बिरसा मुंडा को पढ़ रहे हैं, टंटे बाबा को पढ़ रहे हैं, उनके विचारों पे चलने दीजिए। अगर वो बन गए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। आदिवासी युवा कमजोर नहीं है, आदिवासी युवा डरने वाला नहीं है, लड़ने वाला है। साथियों और आप सबको मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि ये जो आंदोलन है ये किसी एक संगठन का नहीं है, ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये सामाजिक आंदोलन है। यहाँ का नेतृत्व करता हर व्यक्ति है, वो समाज का वो मूर्ख व्यक्ति भी है जो कोने में बैठा है, वो भी इस आंदोलन का मुख्य कार्यकर्ता है। इसलिए आप सबको मैं कहना चाहता हूँ, आज हमारे समाज के लोग पूरे प्रदेश से यहाँ पर आए हुए हैं, आप लोग भी सुबह से बैठे होंगे, हम लोग भी 5 बजे से निकले हुए, क्योंकि आपके यहाँ से हम 500 किलोमीटर दूर रहते हैं। रास्ते में हम लोग आए, सब लोगों के साथ आए, और सबका मकसद ये था कि आदिवासी के साथ जो अन्याय हुआ, जो अत्याचार हुआ, उसका अब हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे उसका, उस अन्याय अत्याचार का। तो साथियों आप लोग दिन भर से हो, वक्ता सब यहाँ पर आए हुए हैं, और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में हमारे आदिवासी 47 विधायक हैं, 6 सांसद हैं और 1 राज्यसभा सांसद है। समाज की इतनी बड़ी घटना, समाज में इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन वो एसी वाले कमरे में सो रहे हैं। आप लोग सच्चे लोग हो, आप लोग ईमानदार लोग हो, जो इतनी धूप में यहाँ पर आप बैठे, आपको सीट करता हूँ, आपको नमन करता हूँ। कोई बोल रहा था हमको, कोई बोल रहा था कि आप छाव में बैठ जाइए, धूप लग जाएगी। अरे हम उस गरीब किसान के बेटे हैं जो दिन भर धूप में काम करता है, जब हमारा बाप नहीं डरा तो उसकी औलाद कैसे लग जाएगी धूप। इसलिए आप सब आवश्यकता भी लग रही है सर, अब विधानसभा घेराव करना पड़े, लोकसभा घेराव करना पड़े, हम लोग घेरेंगे। यहाँ पर बैठे हैं उनके लिए ताली मत बजाना, वो समाज का फर्ज निभाने आए। लेकिन जो लोग नहीं आए, वो जो लोग नहीं आए, घर से लेटरबाजी कर रहे हैं, घर से वीडियो बनाकर पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन उस पीड़ित परिवार के पास अभी तक नहीं आए, मुझे लगता है कि वो सारे लोग मर चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है, आपका विवेक है। लेकिन साथियों सभी में गुस्सा है, सभी ने मुझे यहाँ पर बोलने का अवसर दिया है, बातें बहुत सारी है। साथियों युवा उम्र है, जुनून है, दर्द है, इसलिए हमारे कई बेरोजगार युवा अपने जेब का पैसा खर्च कर यहाँ पर नेमावर की धरती पर, और ये किसी नेता फेता का कार्यक्रम नहीं है, ये खड़े से बुलाई गई भीड़ नहीं है, ये ओरिजिनल लोग हैं, ये समाज सेवी लोग हैं, जिनको मालूम है कि हमने बेटियों को खोया है, जिनको दर्द है हमने माँ को खोया है, जिनको दर्द है हमने भाई को खोया है, वो कौम यहाँ पर आई हुई। साथियों मैं यहाँ के पुलिस प्रशासन को कहना चाहता हूँ, एसपी को बार बार कहना चाहता हूँ कि इसमें आरोपी एसपी भी है, इसमें आरोपी टीआई भी है, इसमें आरोपी उसके सारे कॉल डिटेल निकाले जाए और सबको आरोपी बनाया जाए, 302 का मुकदमा उनके दर्ज किया जाए, उनको न्याय मिलेगा। और जब तक उस कुत्ते को फांसी नहीं मिलती, हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। आप लोगों को कसम है, हमारे समाज के महान क्रांतिकारियों की विचारों की, आप लोग वरना हम लोग आएंगे, नारे लगाएंगे, हम जैसे को दो चार को बोलने के लिए ऊपर बुला देंगे और मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो यहाँ पर लोग आए हैं, ये अब चुप बैठने वाला नहीं, क्या बैठोगे क्या चुप? इसलिए बहुत सारे वक्ता है, और मुख्यमंत्री से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको सच्ची में हमदर्दी है तो आप यहाँ के एसपी पे मुकदमा दर्ज करके बताओ, तब जाके आप कौन मामा मान लेंगे। लेकिन वो नहीं करेगा,
और यहाँ का पुलिस प्रशासन को मैं कहना चाहता हूँ कि पांच हत्या हुई है उसकी जांच आपने नहीं की, क्योंकि यहाँ की कानून व्यवस्था क्या है हमने रास्ते में देख ली है, सारे अवैध रेत के डंपर यहाँ से निकल रहे, कोई बोलने वाला नहीं है और सभी का कमीशन बटा हुआ है, सभी की जेब भरी हुई है, इसलिए कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हम शर्मिंदा है कि जीते जी उस बहन को नीचे से लोग बोल रहे हैं कि 8 दिन में अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, हम लोग साथ हैं। एक बार जोरदार नारे लगाए, इसके बाद मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। इसी कड़ी में जय जोहार, बाकी लोग भी बोलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, जय जोहार।